नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और मेरा नाम है टैकी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेकटून गुरुजी। तो चलिए कुछ नया करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ओप्पो के नए स्मार्टफोन, ओप्पो F9 प्रो एंड F9 के स्पेसिफिकेशन और ओपिनियन, जो कि मैं ओपिनियन बताऊंगा आपको लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन। ओप्पो F9 के डिस्प्ले साइज़ मिलेगा 6.306 और प्रोसेसर मिलेगा 2 GHz ऑक्टा कोर। और जहां तक इसमें कैमरा क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट कैमरा मिलेगा 25 MP और द रियर कैमरा 16 MP। और इसमें अगर रैम की बात करें तो आपको 4 GB रैम और स्टोरेज मिलेगा 64 GB। और अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको इसमें एंड्रॉयड 8.1 और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा और बैटरी कैपेसिटी मिलेगी 3500 mAh। तो बात करते हैं इसकी प्राइस की, क्या रहेगी इसकी प्राइस। तो प्राइस रहेगी 19,990 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से सही है। बट अगर बात करें ओप्पो F9 प्रो की, तो डिस्प्ले साइज़ रहेगा सेम 6.30 इंच डिस्प्ले साइज़ रहेगा। और अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो 2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि सेम है दोनों में F9 और F9 प्रो में। तो बात करेंगे इसके फ्रंट कैमरा की, तो 25 MP आपको इसमें कैमरा मिलेगा और रियर कैमरा मिलेगा 16 MP प्लस 2 MP, यानी कि ड्यूल कैमरा। अब इसकी बात करते हैं रैम की, तो आपको इसमें मिलेगी 6 GB रैम और स्टोरेज मिलेगा 64 GB स्टोरेज। और अगर चलते हैं इसके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें मिलेगा एंड्रॉयड 8.1 एंड्रॉयड ओरियो और बैटरी कैपेसिटी मिलेगी 3500 mAh, जो कि दोनों में सेम है। अब बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइस, तो इसकी प्राइस रहेगी 23,990 रुपये। आप अपने इससे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से खरीद सकते हैं, आप कैमरा क्वालिटी या फिर स्टोरेज के हिसाब से भी खरीद सकते हैं। कुछ बात करते हैं इसके जो मेन फीचर्स हैं, तो फर्स्ट इज़ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा आप, और दूसरा इसमें है फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, जो कि बहुत बढ़िया 5 मिनट में आपको 2 आवर टॉक टाइम दे देगा। अब मेरे ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में अगर बात करता हूँ मैं इसकी कुछ, तो फर्स्ट बात करता हूँ तो ग्रेट एंड न्यू डिज़ाइन है, आपको सबसे अलग अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है। और दूसरी बात करूँ डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है। थर्ड है कलर, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए आप और इसको आप और इसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी SD कार्ड स्लॉट भी दिया है और बेटर फ्रंट कैमरा है, तो आप इसके लिए ओप्पो F9 प्रो को खरीद सकते हैं मेरे हिसाब से। मेरे इस फ़ोन के लिए ये ओपिनियन है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरा फ़ोन चूज़ करूं, तो आप उसमें ये देख सकते हैं ग्रेट परफॉर्मेंस और बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस और 4K रिकॉर्डिंग और उसी के साथ साथ USB टाइप सी। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से ओनर प्ले की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें बैटरी कैपेसिटी बढ़िया है। PUBG जैसे गेम आप इस ओप्पो F9 प्रो में नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और साथ ही साथ शेयर करें मेरी इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।